हाँ जी हाँ जी, हाँ बस आए रहे हैं। अरे दक्षी मेरे साथ ही है। अरे नहीं, हम 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं, दक्षी भी तो मेरे साथ में ही है। अरे पुलिस, बापू फोन, कोई कोई पकड़ो उसे, पुलिस, दक्षी। गाइस ये क्या कर रही है? गाइस आई जस्ट डिड अ प्रैंक विद माय मॉम, जस्ट लुक एट हर रिएक्शन। दक्षी तू कुछ पागल है क्या? कितनी डरी हुई है। तुझे पता मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, ये मजाक कर रहे हैं यार। मम्मा अब इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? प्रैंक है, अभी ले आया करो बेटा आपका फोन। ये प्रैंक थप्पड़ मारो तेरे, दिमाग खराब है। हेलो, हाँ बोल बेटा। हेलो पापा, हमारी कार कहाँ पर है? किधर है मतलब? अरे नीचे पार्किंग में खड़ी है। नहीं पापा, यहाँ हमारी कार नहीं है। क्या? ओ गॉड, हमारी कार पक्का चोरी हो गई है। क्या क्या बोल रही हो तू? गाड़ी चोरी होगी? रुक 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 रुक, मैं आता हूँ नीचे। हैं? गाड़ी तो ये खड़ी है। And that's a prank. Prank? Hello, my 100K followers. Today I played a car theft prank on my father. I hope you all enjoyed his reactions. Bye. बेटा, ये prank prank जरा ध्यान से, कहीं इसके चक्कर में कहीं फंस मत जाना तुम। पापा, ये सब मजाक के लिए, मस्ती के लिए। चिल करो, टेंशन मत लो। हाँ भैया, पंचशील पार्क। हाँ हाँ, मेन गेट पे ही खड़ा हूँ। Excuse me, actually मेरा फोन थोड़ा खराब हो गया था, तो मैं आपके फोन से कॉल कर सकती हूँ? थोड़ा अर्जेंट है। बिल्कुल, हाँ मैं कर रहा हूँ कॉल तेरे को। थैंक यू। हेलो, हाँ दीपक यार, तुम कहाँ रह गए हो? मैं पंचशील पार्क के पास खड़ी हूँ, तुमने बुलाया था ना मुझे मुजरा करने के लिए, अब कहाँ रह गए हो तुम? अच्छा जल्दी से आ जाओ, वरना मैं किसी और के साथ चले जाऊँ। ये क्या कर रही थी तुम? क्या क्या कर रही थी? वैसे आपको मुजरा कैसा लगता है? ये तो आने से रहा तो आप ही। ये क्या बदतमीजी है, फोन दो। देखिए साहब, चलना है तो चलिए, ये मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत गलत बंदे से भिड़ गई तू, बहुत गलत बंदे से। हाई कोर्ट का लॉयर हूँ मैं। सर ये सब प्रैंक था सर। सर ये देखिए, हम प्रैंक वीडियोस बनाते हैं, वहाँ मेरा दोस्त भी खड़ा है, वो रिकॉर्ड कर रहा था सर। मैं एक मिनट। ओहो, फोन है तेरे पास है ना? सर सर अभी तेरा नित्य करवाता हूँ। रुक रुक रुक, चुप 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 चुप। सर मैं इसको बुलाती हूँ। चुप। हेलो, हाँ संदीप जी नमस्कार। ये क्या हो रहा है आपके एरिया पे यार? हाँ ये खुलेआम मुजरे हो रहे हैं, अभी एक लड़की को पकड़ा है मैंने। हाँ ये, हाँ पंचशील पार्क है ना, मेन गेट। बस बस बस, आइए आइए, बिल्कुल आइए बिल्कुल। सर ट्रस्ट मी, आई एम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। सर ये सब एक प्रैंक था सर, एक बार मैं सर। रोहित, चुप। रोहित, तू जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। पुलिस और वकील का नाम सुनते ही हालत खराब। तुझे तो मैं मोरल ट्रैफिकिंग के लिए बाहर ही नहीं आने दूंगा। सर सर एक बार मुझे अपनी मॉम को कॉल करने दीजिए, मैं आपकी उनसे बात कराती हूँ। सर सर ट्रस्ट मी सर, प्लीज एक बार कॉल करने दीजिए मुझे सर। ले। हेलो हेलो, हाँ मम्मा यार, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, आप प्लीज पापा को पंचशील पार्क के पास भेज दो। अच्छा ये तो बता, तेरे कैमरे का लगा के गई है तू आज? कैमरा? हाँ प्रैंक कर रही है ना मेरे साथ? नहीं नहीं मम्मा, सच्ची। देख दक्षी, मुझे ना बहुत काम है, तू मुझे डिस्टर्ब मत करा। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, प्लीज पापा को भेज दो। हेलो मम्मा, मम्मा कर ली बात, हो गई तसल्ली? नहीं सर। सुन, अब तू जाएगी जेल। नहीं ना, हाँ हाँ हाँ, और तुझे मैं जेल से बाहर आने नहीं दूंगा। देख तो सर, प्लीज सर, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मेरी बात समझिए सर। हाँ संदीप जी, हाँ कहाँ पहुँचे? आइए आइए आइए, ठीक है, हाँ वहीं पे खड़ा हूँ, वहीं पे खड़ा हूँ।
दक्षी बेटे पापा 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 प्लीज मुझे बचा लो, हम तो प्रैंक कर रहे थे। शांत रहो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। देख बेटा, वैसे तेरी मम्मी ने तो मुझे मना किया था आने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैं चला आया। अब ये सब प्रैंक है या सच में कोई दिक्कत है? पापा, हम इनके साथ मजाक कर रहे थे, छोटा सा प्रैंक कर रहे थे, पर इन्होंने हमें बहुत गलत समझ लिया पापा। रिलैक्स रिलैक्स, शांत हो जाओ। चलो तुम गाड़ी में बैठो, मैं देखता हूँ। जाओ 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 बेटा, जाओ जाओ। यस सर, कोई प्रॉब्लम? कौन थी आपकी ये? ये मेरी बेटी। आपकी बेटी है? जी। ये तो गलत काम करती है फिर। तो मैं कैसे मानूं कि आपकी बेटी है, या आप इसके पापा हो या कोई दलाल हो? देखिए, आप तमीज से बात कीजिए। मैं इसका फादर हूँ और एक गवर्नमेंट अप्लाई हूँ। ये देखिए मेरा कार्ड। ये बच्चे प्रैंक प्रैंक बनाते हैं वीडियो बनाने के लिए, मैंने समझाया भी था, बट देखो ना अब कहाँ आके फंसे। संभालिए अपनी बेटी को सर, वरना अभी कोर्ट के चाय चक्कर में अपने आप को फंसा लेती और पूरा फ्यूचर बर्बाद कर लेती। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आगे के लिए मैं ध्यान रखूँगा। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, मेरा वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। थैंक यू। संभालिए सर। सॉरी पापा, आज मेरी वजह से आपको इतना एम्बैरेस होना पड़ा। देख लिया अपने प्रैंक का नतीजा, जानती हो आज कैसे क्या हो जाता? पापा, मुझे तो लगा कि ये सब करके मेरे पेज पे थोड़े व्यूज थोड़े लाइक्स बढ़ जाएंगे, बट इस सब के चक्कर में मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। तुमसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा, बट आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कोई भी मजाक नहीं करूंगी। बेटा, मजाक करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। लिमिट के बाहर कोई भी चीज सब बेकार ही हो जाती है। चलो छोड़ो, अब जो कुछ हुआ तो हुआ, एटलीस्ट तुमने अपनी गलती तो एक्सेप्ट की, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। अब जल्दी चलो घर चलते हैं, तो तुम्हारी मम्मी जो है ना वो परेशान हो जाएंगी। चलो। जोक्स एंड प्रैंक्स आर गुड एज लॉन्ग एज वी आर नॉट ओवरडूइंग इट। मेक श्योर टू बी इन लिमिट्स। दैट्स इट फॉर दिस स्टोरी। सी यू नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज एंड स्टे पॉजिटिव। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.